Good morning, students. So, what we have to do today in this class? Today, in this class, we'll revise our chapter number 5th. Okay? इस क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 5th जो है उसका रिवीजन करेंगे. ओके? एंड अपना 5th चैप्टर कौन सा है? Our 5th चैप्टर इज मल्टीप्लीकेशन. ओके? अपना 5th चैप्टर कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन. बेटा, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? एडिशंस का जो रिपीटेड फॉर्म होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. ओके? कि जैसे 2 + 2 + 2 + 2. ओके? तो इसका आप आंसर फाइंड करो. एंड 2 × कितने टाइम्स है? 2 1 2 3 4. कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स. ऐड करो, 2 4 = 8. 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8. दोनों का आंसर सेम आ रहा है. ओके? ये क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म हो गया. ओके? तो जो एडिशंस का जो रिपीटेड फॉर्म होता है सेम नंबर्स का, ओके, सेम नंबर्स एडिशंस का जो रिपीटेड फॉर्म होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. ओके? नेक्स्ट है अपना रिलेशन, सॉरी, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लीकेशन, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया है अभी. ओके? मल्टीप्लीकेशन जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई जिस नंबर को डिवाइड किया, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है, जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, एंड प्रोडक्ट इज आर आंसर. ओके? जिस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 5.1. ओके? नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑन ए नंबर लाइन. नंबर लाइन पर मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? कि जैसे आपको यहां एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन बी, मल्टीप्लाई 4 by 5, 4 × आपको 5 करना है. ओके? 4 by 5 करना है. क्या करेंगे? 0 to 4, 4 का गैप देके हम 5 times बढ़ाएंगे. कि 0 to 4, 1, नेक्स्ट 1 2 3 4, यहां तक 8 तक, तो 0 to 4, 2 times, अगेन 4 1 2 3 4, हेयर 3 times, 1 2 3 4, 4 times. ओके? 1 2 3 4, 5 times ऑन 20. जहां आके हम रुकते हैं वो होता है हमारा आंसर. कि जब हमने 4 × 5 किया तो आंसर क्या आया हमारे पास? 20. ओके? ये होता है नंबर लाइन पर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज या फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके? प्रॉपर्टी फर्स्ट, ऑर्डर प्रॉपर्टी. कि अगर हम 5 × 4 करेंगे तो भी आंसर 20 आएगा, और अगर 4 × 5 करेंगे तो भी आंसर 20. 5 × 4 पर भी 20, 4 × 5 पर भी आंसर 20. कि a × b करने पर अगर आंसर c आ रहा है, तो b × a करने पर भी आंसर c ही रहेगा. ओके? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 × 1 आंसर 5, 10 × 1 आंसर 10. कि किसी भी नंबर से हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम डिजिट नंबर आते हैं. किसी भी नंबर से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0. कि अगर 5 × 0 करेंगे तो अभी आंसर 0, अगर 15 × 0 करेंगे तो भी आंसर 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 मिलता है. ओके? जिस पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 5.3. नेक्स्ट टेबल्स, टेबल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 5 then 10. ओके? हियर 6, 7, 8 and 9. जिस पर इन टेबल्स पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 5.4. एंड जो बेटा मल्टीप्लीकेशन का जो बेस होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का बेस क्या होता है बेटा? टेबल्स होती हैं. ओके? सो यू हैव टू लर्न टेबल्स. ओके? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग ओवर सिंपल मल्टीप्लीकेशन. कि अगर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो कैसे करेंगे? पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6. ये क्या आ गया हमारा आंसर या प्रोडक्ट. ओके? नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6. ओके? इसमें क्या है? 3 डिजिट नंबर से
वन डिजिट नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है कि 3 × 3, 3 × 3 = 9, नेक्स्ट इससे 3 × 3 = 9, नेक्स्ट इससे 3 × 3 = 9, सिंपल है। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन विद कैरिंग ओवर, ओके कैसे करने होते हैं, 7 × 8 = 98 × 7 है, तो 7 × 8 = 56, 56 तो हम एक बॉक्स में राइट नहीं कर सकते, क्या करेंगे 6 राइट करेंगे 5 को कैरिंग में, देन 7 × 9 = 63, 63 प्लस 5 को हम ऐड कर देंगे, तो 63 प्लस 5 68, ओके तो हियर 68, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ओके इसी तरह 3 डिजिट नंबर का करना है हमें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरी प्रॉब्लम, कि जैसे आपको इतने बता दिए कि इतने ट्रीज हैं एक रो में, आपको वैल्यू बता, एक चीज की आपको वैल्यू बता दी जाएगी एंड आपको मोर थिंग की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके वन थिंग की आपको वैल्यू बता दी जाएगी एंड मोर की आपको फाइंड करनी है, कि जैसे आपको 48 ट्रीज बता दिए वन रो में, ओके तो आपको 7 रोज में फाइंड करने, क्या करोगे 48 × 7, ओके इसी तरह से जो अपनी एक्सरसाइज 5.9 जो है, इसके सारी के सारी जो भी स्टोरी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व किए जाएंगे, ओके अगर कहीं भी किसी भी स्टोरी प्रॉब्लम में या फिर इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कहीं समझ नहीं आता या कहीं कुछ क्लियर नहीं हो पाता, तो आप पूछ सकते हो, ओके बाय।